गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन। कल हम लोग ने हिंदी में पाठ आठ एक और अनेक वचन शुरू कर दिया था, जिसमें आप लोग ने ये देखा था सूरज एक, चांद एक, तारे अनेक, पौधा एक। ठीक है, संसार में दो तरीके की चीजें हुए हैं, या तो एक है या तो अनेक। एक वस्तु का ज्ञान कराने, एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान कराने वाले शब्द को एक वचन, या एक से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। वस्तु का एक या अनेक होने का ज्ञान कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। देखिए, कुछ एक और अनेक शब्द, नाव नावे, आंख आंखे, ये सब आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तितली का तितलियां हो जाएगा, लिखने का तरीका भी अलग अलग रहता है। गिलहरी गिलहरियां, बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, और या में चांद बिंदु लग जाता है। गुब्बारा गुब्बारे, लता लताएं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब अभ्यास का समय आ गया। बताओ, एक है कि अनेक? वेरी गुड, अनेक। ये दूसरा, एक। तीसरा, अनेक। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। पंखा, एक। पतंग, एक। पुस्तकें, अनेक। एक को अनेक से मिलाओ। देखिए, एक लड़की है, अनेक लड़कियों से मिला दिया। एक छाता है, अनेक छाताओं से मिला दिया। एक घोड़ा है, अनेक घोड़ों से मिला दिया। एक संतरा, अनेक संतरे। एक झंडा, एक से अधिक झंडे। एक बकरी, अनेक बकरियां। ठीक है, अगला पेज देखिए। निम्नलिखित का अनेक क्या होगा? अनेक मतलब बहुवचन, एक मतलब एक वचन। लिखिए, ये मैंने लिख दिया है। नाव का नावे, थैला थैले, माला मालाएं। ठीक है, एक या अनेक को उनके स्थान पर लिखो। ये देखिए, ये भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, हाँ। अब बताओ, कक्षा में बच्चे हैं, बताइए। कक्षा में बच्चे हैं, अनेक। कक्षा में अनेक बच्चे होंगे ना, एक बच्चा थोड़ी ना होगा। आपका नाम है, एक। घर में कमरे हैं, अनेक। घर में रसोई है, एक। कॉपी वर्क आपको क्या करना है? ये आपका कॉपी वर्क है। वचन लिखने हैं आपको। वचन किसे कहते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये आपका कॉपी वर्क है, और इसी के साथ आपका पार्ट आठ समाप्त होता है। नाउ चिल्ड्रन, कंप्लीट योर वर्क। हैव अ नाइस डे।